तो भाई यहाँ पर आप चेक करें, मोर ही मोर। परोसे ऐसे थप्पड़ मार रही है तो 13,000 तो आप ज्यादा बोल रहे हैं यार। 13,000 की चीज नहीं है, देखें इसमें इसके दांत भी कम है, 4 दांत की भी नहीं है, 2 दांत की बचिया नहीं है। 2 दांत की होती है ना, मैं आपको 13,000 दे देता। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। देखें सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये दूध भी नहीं देती। अगर ये दूध देती होती ना, मैं आपको 13,000 नहीं 14,000। तो भैंस के बारे में चले आते हैं, क्या करने आए हो? मैं कल जुम्मे का बारे में बैठा था, मेरी कमाई नहीं हुई है, कसम खुदा की कमाई नहीं हुई है मेरी। मेरी सिर्फ 10,000 की कमाई हुई थी। मैंने कहा मोल लेके जाऊंगा आपने, आपने अंकल कह रहे हैं ये पर बेचो, 1,000-1,000 रुपए के एक पर बेचेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये हमने ताड़ लिया है, अगर हमें कोई नहीं समझ आया तो ये ले लेंगे। हाँ बस 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 सारे पर गिरा दोगे यहीं पर क्या? कि जितने भी नर होते हैं ना उसके अंदर ये पर होते हैं, खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मोर खरीदूं या वो रंगीन वाला खरीदूं या दोनों खरीदूं? ये देखें भाई, फुल मतलब पफ वफ बने हुए आला किस्म के। यार ये मुर्गा तो मुफ्ती तारिक मसूद को फॉलो कर रहा है, एक मुर्गा 3 मुर्गियां लेके घूम रहा है। अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, कैसे हैं आप लोग? भाई आप लोग मुझे पता है कमेंट में इतनी ज्यादा मुझे गालियां दे रहे हो, मैं गालियां पढ़ता हूँ रोजाना, एंजॉय करता हूँ। गालियां क्या आती है यार, आप जानवरों के अलावा भी कोई कंटेंट बना लो भाई, परिंदों के अलावा भी कोई कंटेंट बना लो, लेकिन भाई मजा इतना आ रहा है जानवरों के कंटेंट में और दादा व्यूज इतने आ रहे हैं ना, मतलब मजा आ रहा है। तो भाई आज भी हम लोग एक नए कंटेंट के साथ हाजिर हैं, और आज जो आपको ब्रीड दिखाने वाले ना, आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी हो, मतलब मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जिंदगी में आपने कभी नहीं देखी हो। आज हम आपको इतनी सारी मोरे एक साथ दिखाएंगे। दिखाऊं मोर? दिखाऊं? ये देखो भाई, एक मोर ये रही, एक मोर ये रही। हाँ भाई कैसी लगी आपको मोरे? भाई मोर कम करण अर्जुन लग रहा है। भाई एक जैसी मोरे मैंने आपको दिखा दी, लेकिन खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, असली वाले मोरे आपको दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह आज मैं अपने लिए एक मोर यहाँ से खरीद के भी जाऊंगा। क्या कहते हो, कितने तक की मिलती है वैसे मोर? तकरीबन 6-7 हज़ार रुपए का पट्ठों का जोड़ा, और बड़ों का 14-15 हज़ार रुपए का। पट्ठों पट्ठों क्या होता है भाई? पट्ठे होते हैं, उल्लू के पट्टे। तो भाई आज इंशाल्लाह पैसे वैसे लेकर आए अपने साथ, इंशाल्लाह आज एक मोर हम खरीदेंगे, गाड़ी में डालेंगे और घर लेके जाएंगे। भाई जानवरों पे व्लॉग बनाते बनाते ना हमारे सर पे भी बंदरों जैसे बाल उग गए, मतलब हम लोग भी पूरे जानवर बन गए। देखो सोनू भाई की शक्ल भी किसी जानवर से मिल रही है इस वक्त। किस जानवर से मिल रही है सोनू भाई आपकी शक्ल? भालू से। इसकी शक्ल किस जानवर से मिल रही है? ये सीजा का बेटा लग रहा है, वो फिजा का बेटा लग रहा है। नहीं कोई जानवर का नाम बताओ ना। जानवर जिसके कांटे नहीं निकले, वो कांटे वाला चूहा, कांटे वाला चूहा, और ये वाला कौन सा चूहा है? भीगा हुआ चूहा। तो वही सारे के सारे हम जानवर ही लग रहे हैं, क्योंकि परिंदों के साथ हम लोग इतना ज्यादा रहते हैं, इतनी ज्यादा अटैचमेंट हो गई ना। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ ब्रीड। सबसे पहले ये चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें भाई, आपने देखा होगा लड़कियां ना अपने बालों पे डाई करती हैं, अपने बालों को स्ट्रेट करती हैं। आपने कभी मुर्गी में देखा है कि मुर्गियां अपने बालों को डाई कर रही हैं, स्ट्रेट कर रही हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें भाई, फुल मतलब पफ वफ बने हुए आला किस्म के। भाई कौन सी मुर्गी है यार? ये सिल्की है। सिल्की मुर्गी? बफ सिल्की। नाम भी कैसे कैसे होते हैं सुनो भाई। एक तरफ देखो मुर्गियों ने अपने बाल इतने बनाए हुए, एक तरफ देखो उजड़ा हुआ चमन। ये देखो बाल सारे उजड़े हुए। सोनू भाई को ना मैं उठा के लिया है बिस्तर से डायरेक्ट। चलो भाई सिल्की मुर्गी को हम अपने हाथ में लेते हैं और चेक करते हैं कितनी सिल्की है। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, मतलब आप ये चेक करें कितनी खूबसूरत मुर्गी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये अगर कोई खरीदना चाहे तो खरीद भी सकता है? कितने तक की है? 6,000 रुपए की। 6,000 रुपए की मुर्गी है भाई, है सिर्फ इसके बालों के पैसे। यार आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं शर्ट टाइगर वाली पहन रहा हूँ और बाल मेरे बंदरों जैसे हुए हैं, तो भाई क्या सीन है, सब मिक्स हो रहा है सुनो भाई। आप क्रॉस ब्रीड हो ना? क्रॉस ब्रीड हो गए ना? आप भी तो क्रॉस हो, गधे की क्रॉस हो आप, डंकी और घोड़े की क्रॉस हो, पता है आप भी जो टाइगर और बंदे की क्रॉस हो ना। तो चलो टाइगर तो है ना, टाइगर तो है। तो आपकी कोई छोटी नस्ल थी, आप छोटे रह गए? मेरा गधा छोटे गधे। हर ब्रीड को मैं बाहर निकाल के स्पेशली आपको दिखाऊंगा, और अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन वगैरह मौजूद है, बल्कि डिस्क्रिप्शन में लिंक उल्टा बोल दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मौजूद है, आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 6,000 का जोड़ा है, 6,000 की 6,000 की एक है, 6,000 की एक मुर्गी है, 12,000 का जोड़ा है, 12,000 रुपए का। ओए भाई तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है कि 12,000 रुपए के तुम लोग। भाई आपने देखी थी ब्राउन सिल्की, ये देखें ब्लैक सिल्की, व्हाइट सिल्की, सिल्की ही सिल्की, माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनो भाई हाँ। यार ये मुर्गा तो मुफ्ती तारिक मसूद को फॉलो कर रहा है, एक मुर्गा 3 मुर्गियां लेके घूम रहा है। 2 मुर्गे इसके अंदर, 2 मुर्गियां है भाई, एक मुर्गा है, 3 मुर्गियां है, 3 मुर्गियां हाँ, मुफ्ती तारिक मसूद वाला हिसाब किताब है। चौथी नहीं है ना, मुफ्ती तारिक मसूद की भी तो 3 बीवियां हैं, तो चौथी पड़ोस से ले लेगा, पड़ोस में जो है। भाई आपने देखा होगा अर्तुरुल में हलीमा सुल्तान, हलीमा सुल्तान का नाम सुना है? लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ कुकू सुल्तान। अबे कुकू सुल्तान नाम कुर्दों को ज्यादा लग रहा है। बालों को क्या? अरे भाई ये चेक करो कैसी ब्रीड है, ओए होए है भी शरीफ, पता है
भाई देखें, अभी आपने देखी थी मुर्गियों में सिल्की नस्ल, अब मैं आपको दिखाता हूँ पफ कट वाली नस्ल। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनके सर पे इतने बाल हैं कि इनको आंखों से नजर नहीं आता। तो भाई माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी ब्रीड है ये वाली भी। और इसमें जो ना एक ये ब्लैक और व्हाइट कलर है और एक फुल ब्लैक है। तो भाई ये कितने तक का होगा? 15,000 का एक पीस है। मैंने इस वक्त 30,000 रुपए उठाए हुए अपने हाथ में। अब मैं आपको दिखाता हूँ मुर्गियों का हल्क। ओए होए, अबे कितना बड़ा मुर्गा है। ये मुर्गा तो फुल गुस्से वाला लग रहा है भाई। भाई माशाल्लाह से आप मुर्गे का साइज चेक करो, इतना बड़ा मुर्गा। ओए होए, ये देखो मुर्गी ना मुर्गे के पीछे छुप रही है। भाई अब जो है ना, मैं बड़ा खतरनाक काम करने वाला हूँ। मैं इस बड़े मुर्गे को, बरहमा मुर्गा कहते हैं इसको मैं अपने हाथ में लूंगा और इसकी बीवी के सामने, या एक काम करता हूँ इसकी बीवी को हाथ में ले लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारेगा तो नहीं? नहीं नहीं, पक्का? भाई ये देखे जी, तेरी बीवी को मैंने चुरा लिया। माशाल्लाह यार, साइज चेक करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका इस कदर वजन है कि मुझे उठाने में फील हो रहा है मैंने किसी बकरे को उठाया है। अब मुर्गे को उठाते हैं। इस कदर बड़ा मुर्गा, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई अगर आप ये लेना चाहें तो आपको मिलेगा 23,000 रुपए का। 23,000 का एक मुर्गा? 23,000 का एक मुर्गा नहीं, जोड़ा। 23,000 का जोड़ा है। भाई ये देखे, मुर्गा और मुर्गी, और बीच में बैठे हुए काजी साहब। तो भाई मुर्गे का निकाह मुर्गी से बाय वज 2 अंडे कुल मौजल इंदा तलब के मैंने आपके साथ किया, क्या आपने उनको अपने निकाह में कबूल किया? अबे मत कर कबूल, बर्बादी है बर्बादी। मार मार के घर से निकाल देगी, प्रॉपर्टी ले लेगी। मत कर कबूल, पछताएगा। शादी ना करना यारो। भाई आजाद रहना चाहते हैं दोनों। अच्छा ये बताएं मुझे, जरा अंडे वंडे देते हैं? अंडे कब देते हैं? अच्छा सीजन में देते हैं सिर्फ ये? अच्छा बड़े नखरे यार इन मुर्गों के, सिर्फ सीजन में अंडे देते हैं। भाई अभी मैंने आपको दिखाया था मुर्गा, इतना बड़ा मुर्गा, उसके बच्चे दिखाऊं? बच्चे देख के आपको यकीन ही नहीं होगा कि बच्चे, ऐसा लग रहा है ये भी दादा अब्बू दादी अम्मा है। ये चेक करें भाई, बच्चे इतने बड़े, ये हल्के बच्चे हैं क्या? माशाल्लाह भाई आप इसके पैर चेक करो, पैर के बाल चेक करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इसी के बच्चे हैं दो जो आपने दिखाए थे? अच्छा जबरदस्त किस्म के। ये कितने के? ये 9,000 रुपए पर पीस। 9,000 रुपए का एक पीस है, 18,000 का पेयर है। आपको और ज्यादा ब्रीड दिखाते हैं, असल चीज तो मैंने आपको दिखाई नहीं। असल चीज जो है ना वो है अंदर, और वो मैं आपको दिखाऊंगा ना, आपने इतनी ज्यादा तादाद में कभी देखी नहीं होगी वो चीज। भाई अब मैं आपको एक ऐसी ब्रीड दिखाता हूँ, बड़ी खतरनाक किस्म की ब्रीड है, और ये बता रहे हैं मुर्गा बड़ा खतरनाक है, काटता भी है। अंकल देख के बड़ा खतरनाक किस्म का मुर्गा है। ये देखो मुर्गा ना फुल चौकीदारी कर रहा है। पकड़ लिया। ये मुर्गा पकड़ा है आपने? ओए भाई ये चेक करें, माशाल्लाह से इस कदर खूबसूरत ब्रीड है ये। इसकी अकड़ नहीं आ रही, अलग है छोटे से अकड़। हाँ छोटे बंदों में ज्यादा अकड़ होती है, सुनो भाई। मेरे में नहीं है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। ओके तो भाई आप ये चेक करें, माशाल्लाह ब्रीड कितनी खूबसूरत है, और अल्लाह ताला की कुदरत चेक करें यार। अल्लाह ताला ने हर जानवर को, हर परिंदे को अलग ही हिसाब से बनाया है। अभी मैं आपको इसके बाद जो ब्रीड दिखाने वाला हूँ ना, वो कोई अलग ही लेवल की ब्रीड है, और वो देख के तो अल्लाह ताला की कुदरत का इंसान मुजाहिरा करता है कि यार अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती, कितने कलर्स, कितने साइज, कितने परिंदे बनाए। ताज को दिखाएं। ताज, इसका ताज क्या अलग किस्म का है? स्पेशली इसका टेक्सचर है ना, हाथ लगा लूं मसला तो नहीं है जी? भाई इसका कुछ नहीं कहूँगा, इसका जो ये टेक्सचर है ना माशाल्लाह से चेक करेंगे, इतना खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये बनाने वाला जो है ना अल्लाह ताला है, एक ही जात है जिसने इसको बनाया, और इतना खूबसूरत मैं बता रहा हूँ इंसान भी पेंट नहीं कर सकता जितना अल्लाह ताला ने इसको पेंट किया कुदरती तौर पर। भाई आपने देखे बहुत सारे मुर्गे मुर्गियां माशाल्लाह से, अलग अलग किस्म के, अलग अलग वैरायटीज के, लेकिन अब जो मैं आपको चीज दिखाने वाला हूँ वो है नेक्स्ट लेवल चीज। वो चीज ये है कि आपने भाई जिंदगी में कभी ना कभी मोर देखी होगी, पीकॉक जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आपने देखा होगा लाजमी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आपने मोर कभी भी नहीं देखा होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बल्कि मोर भी हैं और मोर की बीवियां भी हैं, मोर के बच्चे भी हैं, क्या बात है, मतलब आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। भाई ये देखें, ये है मोर का पिंजरा, और मैं तो आपको पता है कि मैं पिंजरे के अंदर ही जाता हूँ, मैं बाहर से शॉट बनाता ही नहीं हूँ, मेरा काम ही पिंजरे के अंदर जाने का है। और बड़ा खतरा भी है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है मोर जो है ना चोंचे मारती है, इंसान का गोश्त बाहर निकाल लेती है। भाई अब मेरे को ना बड़ा डर लग रही है, क्योंकि ना मोर के अंदर, मोर के पिंजरे के अंदर जो जाने का सीन है ना, बड़ा खतरनाक सीन है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम कितने मोर है अंकल? 20 मोर है। 20 मोर है अंदर, और अंदर जाके हमें शॉट बनाना है, और बड़ा एडवेंचर वाला काम है, क्योंकि अगर मोर ने हल्का सा भी हमें पप्पी शप्पी दे दी ना तो उस्ताद काम हो जाएगा हमारा। सुनो भाई आपको भी चलना है अंदर। यार आप हर जगह अंदर क्यों जाते हो? हर जगह यार अंदर जाने का तो अलग ही मजा है ना, मतलब बाहर से देखो ये जालियां देख के क्या फायदा। अच्छा बात सुनो, पहले आपको जाना है अंदर, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पीछे से लात देता हूँ। सुनो भाई अंदर चले गए, अब इनकी खैर नहीं है, अब इनकी खैर नहीं है। मैं भी आ जाऊँ साथ?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये लोग सोच रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी के लोग आ गए ये, और मुझे देख के तो बोल रहे हैं कि बंदर शंदर आ गए। तो भाई यहाँ पर आप चेक करें, मोर ही मोर, मोरनी ओ मोरनी। अच्छा भाई मैंने सुना था मोर के जो पैर है वो काले होते हैं जी, तो कहाँ पर है? मुझे तो सफेद नजर आ रहे हैं। किसी के सफेद है किसी के काले, ये आपने गलत सुना है। तो ये कहावत ऐसी फजूल की मशहूर है कि मोर जो है ना वो बड़ी खूबसूरत बनाई गई, लेकिन जब अपने पैरों को देखती है तो वो शर्मा जाती है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब फजूल बातें मशहूर है। अच्छा मिसाल है, औरत अपने आपको बिना मेकअप के देखती है तो वो हो जाती है परेशान। हाँ देखो अल्लाह ताला ने इनको कुदरती मेकअप किया हुआ है, ये देखो कितना खूबसूरत मेकअप किया हुआ है। तो ये सारे साथ रह जाते, फड्डे नहीं करते आपस में? नहीं फड्डा नहीं करते। अच्छा सुनो भाई सबक सीखो, देखो मोरों से सबक सीखो। जॉइंट फैमिली सिस्टम जानवरों का अभी भी कामयाब है, लेकिन इंसानों का कामयाब नहीं है। लड़कियां तो बोलती है हमें अलग घर दो, फौरन से शादी के बाद अलग घर दो। भाई अलग घर दो, अलग घर कहाँ से लाए? अमाउंट ही नहीं होती, हमारे गुर्दा भी बेच देंगे फिर भी नहीं आएगा। इसलिए तो आप शादी नहीं कर रहे। ये पॉइंट है ना। चलो भाई माशाल्लाह से आप मोरों को जरा पकड़ के चेक करते हैं, हाथों में लेके चेक करते हैं। हमें अंदर आने का भी शौक होता है, हाथों में लेने का भी शौक होता है। सही है भाई, ये जब से मैंने विग पहनी है ना इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, ये देखो पूरे पसीना आ गया मुझे। उतार दूं क्या? उतार दो, उतार। नहीं यार ये अच्छी लग रही है मुझे, मैं पहना रहूंगा। तो भाई अब जो है ना मैं मोर को उठा के चेक करता हूँ कि काटती वटती तो नहीं है, अगर काटा तो नहीं उठाऊंगा फिर। उठा लूं भाई, भाई भाई बड़ी जान है इसके अंदर, मोर के अंदर बड़ी जान है। अबे परों से ऐसे थप्पड़ मार रही है तो भाई माशाल्लाह से आप ये कलर चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह यार ये जो मोर का कलर आता है ना, ये वाला, ये जो ब्लू कलर का ये शेड आ रहा होता है और शाइन आ रही होती है, इस कदर खूबसूरत लगता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये बताएं ये मोर जो है ये मुझे पसंद आ गया है, ये आप कितने में देंगे मुझे? ये आपको दे देंगे 14,000। यार हमारे लिए कोई डिस्काउंट डिस्काउंट करें। 1,000 रुपये में देंगे? 1,000 रुपये कम करेंगे। अच्छा 1,000 रुपये कम करेंगे, अच्छा मैं समझा आप 1,000 रुपये में देंगे। अच्छा तो यार कुछ कमी बेसी करें, कितने में? 13,000 का बोल रहे हैं आप? एक काम करें ना, 13,000 तो आप ज्यादा बोल रहे हैं यार, 13,000 की चीज़ नहीं है। देखें इसमें इसके दांत भी कम है, 4 दांत की भी नहीं है। सही है, 2 दांत की बचिया नहीं है, 2 दांत की होती है ना मैं आपको 13,000 दे देता। ये 4 दांत की पट है, पट आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है अगर पूरी ना हो ना तो। देखिए सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये दूध भी नहीं देती। अगर ये दूध देती होती ना मैं आपको 13,000 नहीं 14,000। तो भैंस के बाड़े में चले आते हैं, क्या करने आए? कुर्बानी का जानवर थोड़ी है। इसके थोड़ा ना शाइनिंग देखें इसकी, और किसी जानवर में मिल जाए तो फिर समझ लेना कि यार वैसे शाइनिंग तो माशाल्लाह शाइनिंग तो। सुनो भाई करीब से दिखाओ जरा खूबसूरती, देखो ये 13 लाख की भी खूबसूरती नहीं है किसी चीज में। ये बात तो है 13 लाख की भी खूबसूरती नहीं है, लेकिन आप मुझसे कितने ले रहे हैं? 13,000 रुपये ना। तो आप एक काम करें 13 रुपये में दे दें। भाई 13 रुपये सही लगाए मैंने? 13 रुपये तो कम है, एक चीज का उसका रेट भी तो होता है। ये बात तो है, ये बात तो है। एक काम करें चले फाइनल हम कर लेते हैं इसको, हम 10,000 में कर लेते हैं। ठीक है कर लें? नहीं 10,000 में नहीं, 10,000 में नहीं होगा, नहीं होगा। फाइनल कितना होगा? फाइनल 13,000 से एक पैसा कम नहीं है, एक पैसा कम। अरे यार अंकल तो बिल्कुल ऐसे अड़ गए अंकल, ये परिंदों का कारीगर कम मेहमान ज्यादा लग रहे हैं। फिक्स प्राइस नहीं है? नहीं मेहमान नहीं है, पंजाबी पंजाबी है, पंजाबी तो यार थोड़ा डिस्काउंट देते हैं। देखिए आपके पास आए मेहमान बनकर आए यार, आपने मतलब आपसे चाय भी नहीं पी। देखे हमने चाय, हमने बोला चाय मना कर दिया, चाय बिल्कुल तैयार हो रही, चाय मिलेगी नहीं, चाय नहीं। आप 1,000 रुपए की हम चाय आप बचा के ना बाहर से पी लेंगे, मसले की बात नहीं है। लेकिन आप जो है ना यार इसको चले एक काम करते हैं जी, 11,000 में कर। नहीं 11,000 में बहुत, इसका एक खुद का भी एक रेट तो कम से कम लगाओ ना, इतना रेट हो इसका 11,500 कर ले आप। नहीं भाई 11,500 में इसका, हम बच्चा 11,500 का भेजते हैं तो फुल बड़ा है। अंकल ने पैसे क्यों बढ़ाए हैं? डेढ़ लाख कसम खा ली है 13,000 रुपए की। तो अंकल फाइनल कुछ कम कर दें यार, देखे मैं तो भाई ये रोने लग गए। अब पैसा करो आप, थोड़े से पैसे इनको दे दो। क्या पैसे दे दें? अंकल देखे बात सुने, अंकल ये अंकल नहीं मानेंगे, ये अंकल मजबूर है। रोना आ रहा है, मैं कल जुम्मे का बाहर भी बैठा था, मेरी कमाई नहीं हुई है, कसम खुदा की कमाई नहीं हुई है मेरी। मेरी सिर्फ 10,000 की कमाई हुई थी, मैंने कहा मोर लेके जाऊंगा, आपने आप मैंने कम ही नहीं कर रहे। एक मिनट आपको एक चीज दिखाता है, सुन कर दे। नहीं दिखाए वो चीज, नहीं दिखाए मुझे, नहीं देखनी वो चीज। एक मिनट देख के जाए ला, आप सिर्फ ना इनकी ये एक एक फर जो है ना ये 1,000 रुपए में बेच देंगे लोग, ये पर देखे इनकी शाइनिंग। यार अंकल ने बड़ा अच्छा बिजनेस बताया, वैसे लेके जा रहे हो 13,000। अंकल कह रहे हैं ये पर बेचो 1,000-1,000 रुपए के, एक पर बेचेंगे 1,000-1,000 रुपए का एक पर। तो इसमें कितने पर होंगे टोटल? इसमें 40-50 पर होंगे। 40-50 पर का मतलब है 40,000 रुपए वैसे प्रॉफिट हो सकता है इसमें, हो सकता है। अच्छा अंकल मुझे ये बताएं, एक सीरियस सवाल करूंगा, मजाक अपनी जगह, ये मोर को रखने के लिए कोई लाइसेंस वगैरह भी चाहिए होता है? देखो लाइसेंस वाइल्ड लाइफ के जो कानूनी तकारे वो तो पूरा करने पड़े, पूरा करने पड़ते हैं। मिसाल एक पेड़ है तो उसका
कोई मुश्किल नहीं है, 400-500 रुपए का लाइसेंस, 400-500 रुपए में मोर रख सकते हैं। और ये जो मोर इतना चीखता है, आवाज कैसे निकालता है? आवाज निकाल के तो दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ ब्रीडिंग सीजन होता है, आप आवाज निकाल के दिखा दिए। नहीं मुझे आवाज, अंकल ऐसे शर्मा रहे, लड़कियां मेरी शर्माती इतना। अंकल साइलेंट मुर्गे हैं, साइलेंट मुर्गे। भाई अब सीन ये है कि हमारा सौदा तो बन गया अंकल से। कितने में बना? 11,000 रुपए में, 13,000 रुपए में बना है भाई सौदा। अंकल ने कम नहीं किए? सुनो भाई, अभी कम नहीं करेंगे, बोलेगा मैं नहीं देगा भाई, 13,000 से 1 रुपया कम नहीं देगा। तो भाई अब हमारा काम ये है कि हमें चूज करना है कि इसमें से हमें कौन सा मोर लेना है। कोई सा भी लेना 13,000 रुपए का? नहीं कोई सा नहीं, ब्लू वाला। और ये, अरे यार ये अब ये क्या बात हुई यार, ये व्हाइट वाला महंगा होता है? व्हाइट वाला बहुत महंगा है। अच्छा जी, मैं समझ रहा था व्हाइट वाला सस्ता है। व्हाइट वाला कितने का होता है? नहीं व्हाइट में आपको दिखाता हूँ, वो है व्हाइट वाला। चले दिखा दे, व्हाइट वाला कितने का देंगे आप? व्हाइट वाला आपको मिलेगा 30,000 रुपए। 30,000 रुपए का? चले खैर है, 30,000 दे देंगे, लेकिन खूबसूरत होना चाहिए। असल बात ये है कि खूबसूरत होना चाहिए। ये वाला भी प्यारा है वैसे, लेकिन और भी देख लेते हैं। चले इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, ये हमने ताड़ लिया। अगर हमें कोई नहीं समझ आया तो ये ले लेंगे। अच्छा मुझे फर्स्ट टाइम पता चला है, मैं तो समझ रहा था कलर वाले जो मोर है ये ज्यादा महंगे होंगे, लेकिन ये बता रहा है व्हाइट वाले ज्यादा महंगे। सुनो भाई मैं तो कह रहा हूँ आप भी अपने ऊपर कलर करवा लो, कर रहा हूँ, कीमत बढ़ जाएगी। कर रहा हूँ अभी, आप 5 रुपए को ना 10 रुपए के हो जाओगे। माशाल्लाह 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 भाई, ये है क्रॉस नसल लग रही है मुझे, क्रॉस। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये चेक करें खूबसूरत, इसके अंदर भी परवर है, इसके भी 1,000-1,000 के बिकेंगे। पर क्या कर रहा है ओए ओए, मुझे मारा कैसे तूने? अच्छा मादा के पर नहीं होते, नर के होते हैं। नर के होते? अच्छा माशाल्लाह। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ने हर जानवर में जो नर को बनाया ना वो अलग ही खूबसूरत बनाया है, क्योंकि मर्द को ना अल्लाह ताला ने दाढ़ी दी है, इतनी प्यारी दाढ़ी दी है। और ये देखो ये एक बंदा छक्का बन के फिर रहे हैं यहाँ पर, दाढ़ी रखी। अफ्रीका के मर्द खूबसूरत नहीं होते? अफ्रीका के मर्द ही होते, वहाँ की औरतें कौन सी होती है? देख लो ना, हर मर्द खूबसूरत नहीं होता। हाँ लेकिन वहाँ के हिसाब से उनके मर्द खूबसूरत होते हैं, उनके पास वो है जो हमारे पास नहीं है। पैसा बहुत है, पैसा माशाल्लाह बहुत है, और भाई जान है उनके अंदर। तो भाई ये चेक करें, ये है, ये देखें, ये बता रहे हैं जितने भी, बस 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 सारे पर गिरा दोगे यहीं पर क्या? अच्छा पर ऐसे झड़ते तो नहीं है इसके? नहीं ऐसे नहीं झड़ते। अच्छा तो बता रहे हैं ये कि जितने भी नर होते हैं ना उसके अंदर ये पर होते हैं खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला की आप कुदरत चेक करें, इतने खूबसूरत पर है ना, इन परों को तो हम अपने दीवारों पर लगाते थे, और आज जो है ना मैं मोर में अपने सामने पर देख रहा हूँ, क्या बात है खूबसूरत। ये कितने का देंगे अंकल आप? ये 30,000 रुपए का देंगे आपको फाइनल। 30,000 रुपए का फाइनल देंगे अंकल। देखे बात सुने, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं दोबारा रोज आऊंगा। सही है, मैं रोज आऊंगा, बता रहा हूँ मैं आपको। मैं ना गुस्से में हूँ बहुत अंकल, जब तक नहीं मालूम मैं इतनी जोर से रहूंगा अंकल। कर दे अंकल, क्या हो रहा है? ये मोरों को गुस्सा आ रहा है, तूफान आ गया, तूफान। ये मोरों को गुस्सा आ रहा है कि ये हमारे हमारे दोस्त का सौदा हो रहा है यहाँ पर। हाँ, ये आप रो रहे हो ना, इससे डर रहे हैं। अच्छा मेरे रोने पे देखो मोर भी रो रहे हैं अंकल, आपको लेकिन तरस नहीं आ रहा है। बस देखिए देखिए, ये भी गुस्से में आ गया, ये भी बोल रहा है मुझे दे दो इनको। ये कितने में फाइनल देंगे? ये फाइनल 30,000 रुपए। फाइनल 30,000 रुपए का देंगे अंकल। तो भाई आपको पता है फुल अड़ी बाती, जो बोल दिया वो बोल दिया, जितने का बोल दिया उतने का ही देंगे। बिस्मिल्लाह भाई बता रहे हैं, इसके ना पैर ये देखें, इसको मजबूती से पकड़ना पड़ता है और फिर मोर काबू में आ जाता है। काटता तो नहीं है? माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आप ये चेक करें ये मोर। अब सुनो भाई ये बताओ कि ये मोर खरीदूं या वो रंगीन वाला खरीदूं, या नीला, या दोनों खरीदूं? दोनों खरीद लो। अच्छा वो वाला मेल था, फीमेल था? वो भी मेल था। वो भी मेल था, तो एक काम करते ना आप। अरे बस यार, इसके अंदर मोर के अंदर बहुत जान होती है यार, बहुत ज्यादा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे एक मेल लूं और एक फीमेल लूं, कोई फीमेल भी उठा ले जरा। मुझे बहुत डर लग रही है यहाँ पर। तो ये कितने में देंगे जोड़ा आप? ये जोड़ा मिलेगा 40,000। 40,000 रुपए का भाई, 40,000 रुपए का जोड़ा फाइनल बोल रहे हैं। तो सुनो भाई क्या ख्याल है, लेना चाहिए? ले लो ले लो। उन भाइयों से भी पूछ लो जरा क्या कहते हो, क्या कहते हो, ले ले। बिल्कुल ले ले। 40,000 रुपए का सही है भाई। मोरों के बाद मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूँ, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है यार, वो सोचो कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी। ओए होए भाई, काफी ज्यादा अंदर रखी हुई है इन्होंने। ये चेक करें माशाल्लाह भाई, ये चेक करें माशाल्लाह से, इसको कहते हैं सुरखाब, क्या बात है, मतलब पूरा जोड़ा है और इसकी दुम इतनी खूबसूरत है, समझो ये मोर का छोटा कोई बच्चा है, छोटी नस्ल लग रही है मोर की ना काफी ज्यादा है। भाई यहाँ पर इतने सारे परिंदे हैं यार, इतने सारे, इतना खूबसूरत कबूतर, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आप ये कबूतर चेक करें भाई। माशाल्लाह से आप लोगों ने सारी की सारी मोर देख ली, और इसमें से हमारा सौदा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, दो मोर हमने अपनी पसंद के ले लिए हैं।
और अब चलते हैं बाहर, मोर के बच्चे दिखाते हैं। ओए बाहर नहीं आ सकते हो, क्या हो गया आपको? अंदर जाने का शौक है, अंदर ही रहो। अबे यार सुनो भाई, दरवाजा खोलो यार। दरवाजा नहीं खुलेगा। अबे सुनो भाई दरवाजा खोलो यार, किसी नर्स को ला, वही खोलेगी, वही निकालेगी तुम्हें। यार सुनो भाई खोलो यार दरवाजा खोलो। अबे नहीं करो यार, मोर काटेंगी मुझे। नहीं काटेंगे भाई, रात के वक्त ना बहुत काटेंगी, बोलेंगी पता नहीं कौन बंदर आ गया, बाल भी वैसे बंदर वाले हो रहे मेरे। खैर उसी बहाने जुए भी निकाल लेंगे इकट्ठे आपके बालों के। अबे यार सुनो भाई दरवाजा खोलो यार, अबे खोल दो यार। केला लेके आओ पहले। अबे यार खोलो यार, अबे यार इनसे बोलो यार खोल दो यार। ये क्या खोलेंगे यार बेचारे, ये तो खुद खुले हैं। चलो भाई अब हम चेक करते हैं मोर के बच्चे। तो भाई अब हम चलते हैं मोर के स्कूल में। यहाँ पर स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आए हुए हैं, और कुछ जो है ना वन क्लास में, कुछ टू क्लास में, कुछ थ्री क्लास में, कुछ मैट्रिक में। ये मोरों का स्कूल आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ प्यारे बच्चों क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? ए बी सी डी एफ जी। सुनो भाई आप कहाँ से आ गए? हर जगह घुसने का। आप भी बच्चे हो? हाँ ना, मैं भी पढ़ने आया हूँ उनके स्कूल में। किसके बच्चे हो? कुत्ते के बच्चे हो? मैं इंसान का बच्चा हूँ। अच्छा, और जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है। तो भाई ये मिक्स गैदरिंग में पढ़ते हैं, को-एजुकेशन है इनकी। को-एजुकेशन, जब भी तुम आए हो उसमें जानबूझ के। अच्छा, वरना मैं नहीं आता। तो आप एक काम करो ना, आप इनके सर बन जाओ। सर नहीं बनना, सर बन जाओ ना, इनको पढ़ाओ। इनको पढ़ाओ ना। क्या पढ़ाऊं मैं इनको? पढ़ाओ आप, कुछ भी पढ़ाओ, सब कुछ पढ़ा दो। हाँ हाँ, प्यारी प्यारी मोरे आपको मिल गई हैं, आप इनको पढ़ाओ। भाई देखें बच्चे ना काफी ज्यादा हमसे डर रहे हैं। माशाल्लाह, आपने जिंदगी में कभी इतने मोर के बच्चे देखे हैं? नहीं देखे होंगे यार आप लोगों ने, नहीं देखे होंगे। अच्छा यार, काफी लोग बोलते हैं कि यार तुम क्या जानवरों पे कंटेंट बनाते रहते हो, जानवरों पे कंटेंट। भाई जानवरों पे कंटेंट बनाना भी आसान नहीं होता, आपको हमेशा कोई ना कोई यूनिक चीज दिखाते हैं। आपने जिंदगी में कभी सोचा था इतने सारी मोर एक साथ देखोगे? देख ली ना, दिखाई ना भाई ने आपको। तो भाई आपका काम क्या है? आपका काम है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करो ताकि हम आपको शेर, बिच्छू, सांप, हाथी सब कुछ दिखाएं, सब दिखाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यार मैं मोर के केज में जब से गया हूँ ना, इतनी इन्होंने बीटे किए ना, ये चेक करो, पूरी जींस मेरी गंदी कर दी है, सब कुछ ना बीटों से भर दिया है यार, इतना मतलब गंद करते हैं यार ये। यार वो आपको बाथरूम समझ रहे हैं ना, तो पोटी कर रहे हैं आपके। तो भाई आपको पूरे फार्म का हमने विजिट कराया, और जबरदस्त किस्म का ये फार्म था, और इनका असल फार्म तो और बड़ा है माशाल्लाह से, ये तो छोटा सा सेटअप था। तो अब हम फाइनली अपने मोर को लेकर गाड़ी में डाल के, बड़ा मरहला है क्योंकि यहाँ से हमारी गाड़ी काफी ज्यादा दूर है, तो वहाँ गाड़ी में डाल के मोर को ले जाना है, बहुत बड़ा मरहला है। अगर मोर उड़ गया ना तो उड़ गया, समझो उड़ गया। फिर मोर रेडी हमारा, बिस्मिल्लाह भाई माशाल्लाह से एक मोर हमारा रेडी हो चुका है, और इसको गाड़ी में डाल के ले जाना है। इसको तो आप पकड़िएगा और एक मुझे पकड़ना है, सही है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बता रहे हैं अगर छोड़ा ना, अगर कुछ भंड हो गया तो ये मोर हाथ में नहीं आता। दूसरा मोर भी आ चुका है हमारा, वो मादा है। भाई माशाल्लाह से आप धूप में ना अलग ही खूबसूरती इसकी देखें, शाइन कैसा आ रहा है, खूबसूरत। अपने साथियों को टाटा कहो। टाटा टाटा, अल्लाह हाफिज़, मैं जा रही हूं। हमारे मोर बाहर आ चुके हैं, और इंशाल्लाह इसको गाड़ी में डालते हैं। वैसे इन्होंने अभी तक तंग नहीं किया, मौलवी साहब नहीं तंग नहीं करेंगे इसको, इंशाल्लाह अपने फार्म पे हम छोड़ देंगे, हमारे दोस्तों के फार्म। छोड़ दूंगा नहीं इंशाल्लाह इसको मैं पकड़ के रखूंगा। और अगर भाग गया तो पकड़ में नहीं आएगा। छोड़ दो, बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाए आप भी छोड़ दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिग्गी बंद कर दो, पर हटाओ। चलो भाई फाइनली हमारे मोर अंदर आ चुके हैं। चलो ठीक है मौलवी साहब, ठीक है जी, पैसे इंशाल्लाह कयामत के बाद। इंशाल्लाह ठीक है, ठीक है। चलिए भाई पेमेंट वगैरह हम कर लेते हैं, हिसाब किताब जो भी हमारा कर लेते हैं। और पैसे ना वीडियो में दिखाने नहीं चाहिए, नजर लग जाती है ना, नजर लग जाती है। तो वीडियो बंद करो, सुनो भाई बंद करो। सही बैठा, बिल्कुल उड़ेगा तो नहीं? नहीं नहीं उड़ेगा नहीं, बैठ गया बस, सही है। तो भाई फाइनली हम लोगों ने मोर ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मोर ले लिया, वीडियो का टाइटल भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोर ले लिया। और अब इंशाल्लाह इसको हम फार्म पे छोड़ेंगे। भाई तुम लोग का जो फार्म है ना, मैं उस पर छोड़ूंगा इस मोर को, सही है? ठीक है, रख लोगे? हाँ रख लेंगे भाई, तुम लोग को पालना है अब सही से, जो भी खर्चा पानी है कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? अबे साइलेंट हो गए लोग तो, मुफ्त में ये सोच रहे कितने पैसे ले। नहीं नहीं, पैसे वैसे जो भी है कि मैं इंशाल्लाह दूंगा, लेकिन आपको पाल के बड़ा करना है और इसकी ब्रीडिंग करानी है टाइट वाली, सही है? मोर कितने अरसे बाद बच्चे देता है, अंडे देता है? तकरीबन एक साल के बाद। एक साल के बाद अंडे देता है? तो ये जो मोर है ये कितने अरसे बाद देगा? ये तकरीबन करीब तीन चार महीने में दे देगा। तीन चार महीने में इंशाल्लाह ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल बेहतरीन हो गया। तो भाई इसको हम फार्म पे डालते हैं, क्योंकि घर में रखने वाली चीज नहीं है। घर पे अगर रखा ना तो मोहल्ले वाले आएंगे, मुझे घर से कान से पकड़ के निकालेंगे,
और मुझे फेंक कर आ जाएंगे कहीं पर, बल्कि जंगल में ही फेंक कर आ जाएंगे, बोलेंगे तू जानवरों पे ब्लॉग बना देना, तो एक काम कर अफ्रीका के जंगल में रहे। तो इसलिए इसको हम फार्म पे रखते हैं और इंशाल्लाह इसकी ब्रीडिंग कराते हैं। जब इसके बच्चे बच्चे बड़े होंगे तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। उम्मीद है आपको ब्लॉग में मजा आएगा। सब्सक्राइब लाजमी करते, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी दबा दो यार, घंटे का दबा दो। सुनो भाई बोल दो यार, सुनो भाई बोलो यार, सब्सक्राइब कर दो, बोलो यार कर दो यार सब्सक्राइब इसको, वरना ये मेरे को मार देगा यार। बोलो ना, सही से बोलो ना यार, नहीं किया लोगों ने, नहीं किया है? नहीं किया ना यार, नहीं पता ना सब न्यू कराची के होते हैं, कहां से इनको, इनको बोलो नीचे बटन है दबा दे, नीचे यार घंटी का बटन होता है, तुम लोग भी बोल दो, तुम लोग भी बोल दो यार, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का, बेल आइकन का बटन दबा दो, बस यही सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो, घंटा दबा दो, जो भी है दबा दो, सब दबा दो। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, किसी और कॉन्टेंट में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए मिशकात खान को, हमारे सारे भाइयों को, अल्लाह हाफिज।